अस्सलाम मैंने शतवान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़ुल्फ़िकार अली बबर की जानिब से डिजिटल मीडिया की तमाम फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं हैरत अंगेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक अलग सूबे की डिमांड करने जा रहे हैं, बहुत जल्द उसकी तहरीक एक शुरू करने जा रहे हैं। उस हवाले से मैं तफसीलात से आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। सारे इश्यूज़ पर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, अच्छा था, बुरा था या बहुत ज़्यादा बुरा था। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं, ज़ाहिर है उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको लीड कर रहे हैं तकरीबन अनऑफिशियली तौर पर, लेकिन उस पर फारूक सत्तार साहब हैं, जो भी लोग हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने माजी का टाइम गुजारा, जिस तरह उन्होंने 90s का दौर देखा, फिर 2000 से 2010 का दौर देखा, ये वाली दिहाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इंतहाई ताकतवर और मकबूलियत की दिहाई साबित हुई। बहुत ज़्यादा उनके पास पावर थे, बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें थी कि जो शायद उनके पास ना माजी में कभी थी ना फ़िलहाल नज़र आ रही हैं आते हुए। इस दौरान वो सियाह और सफ़ेद के मालिक थे, ना सिर्फ कराची शहर के बल्कि सिंध सूबे के और पाकिस्तान के बड़े फ़ैसलों में उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं होता था। तो उस दौरान उन्होंने सूबे की डिमांड नहीं की उस तरह, उन्होंने कोटा सिस्टम की डिमांड नहीं की उस तरह, उन्होंने दीगर इशूज़ पर डिमांड नहीं की उस तरह। क्यों नहीं कि ये सारी मैं आपसे सिचुएशन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बड़ा गौर से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और अब वो इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर माजरा क्या है और ये खिचड़ी क्यों पक रही है और आखिर इसी देग में ये खिचड़ी क्यों पकनी थी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब 2016 में मुत्तहिदा से अलग कर दिए गए और जबरी तौर पर उनको अलग कर दिया गया और उनको साइड कर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों का जो एमकेएम के कारकुन थे, जो रज़ाकार थे, जो सपोर्टर थे, जो हमदर्द थे, उनका ये ख्याल था कि ये शायद टोपी ड्रामा है और ऑपरेशन से बचने के लिए ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब को सेपरेट करके और बाकी एमकेएम को बचा लिया जाए और कौमी कास को बचा लिया जाए और उस चीज़ को बचा लिया जाए कि जो नज़रिया जो लेकर चल रहे थे। लेकिन जब ये सूरत हाल आगे वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद वाज़े होना शुरू हुई और लोगों को इस चीज़ का यकीन हुआ कि नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब तो उनको कोस रहे हैं, उनको ऐसे नाराज़ हैं सख्त, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की पीठ में उन्होंने छुरा घोंपाया और उन्होंने गद्दारी की अल्ताफ़ हुसैन साहब को गद्दार कहकर। ज़ाहिर सी बात है, देखें अल्ताफ़ हुसैन साहब इस मामले में तो मैं समझता हूँ कि बजा कह रहे हैं, क्योंकि देखें सियासी लोग बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, बहुत सारी अच्छी होती हैं, बहुत सारी बुरी होती हैं, बहुत सारी ज़्यादा बुरी नामुनासिब होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता यह कि उनकी पार्टी, उनके लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके पीछे उसको ऑन करते हैं, उसको दिफा करते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि हाँ जी ये गद्दार है, इसको फारिग कर दो। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने जनरल रायल शरीफ के लिए कहा था कि आपकी क्या औकात है कि आप हमारे से बात करो, आप हमारी लेवल पर आओ, आप 3 साल के लिए आए हो, 3 साल के बाद आपको कौन जानता है कि आप कौन थे और कौन नहीं थे, हमने हमेशा रहना है इस मुल्क में। देखा जाए तो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने ठीक कही थी, लेकिन जाहिर है वो उस टाइम पर आर्मी चीफ थे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ये कहकर और जाहिर है मुल्क से बाहर चले गए और मुल्क में नहीं आ सके, जाहिर है पॉसिबल ही नहीं था आना, लेकिन पूरी पीपल्स पार्टी उनके दिफा पर खड़ी रही, उनके पीछे खड़ी रही। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने ठीक कहा है, किसी ने कहा जज्बात में कहा है, किसी ने कहा गुस्से में कहा है, किसी ने कहा तोड़ मरोड़ के पेश किए गया, लेकिन किसी ने उनको डिसोन नहीं किया। उससे फ़ायदा ये हुआ आसिफ अली जरदारी साहब को कि उनकी पार्टी इंटैक्ट रही, यकजा रही और 3 साल वाकई जब गुजरे तो उसके बाद से अब 7 साल हो गए या 7.5 साल हो गए, तो
7 साल से राहिल शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आ सक रहे, नहीं रह सक रहे, और आसिफ अली जरदारी साहब किसी न किसी तरह हर बड़े फैसले में शामिल हैं। इसी तरह मैं मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपको देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे बोला ये तुमने इलेक्शन का रिजल्ट मरोड़ा, तुम्हारा होते कौन थे ये इलेक्शन बनाने वाले, तुम्हारी क्या हैसियत थी, तुम्हें किसने इजाज़त दी, उनके बारे में बहुत ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो शायद कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि पूरी नून लीग बजाय इसके कि मियां नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहती, उनके से हट जाती, उनसे लाताल्लुकी का इजहार कहती, उनको कहने लगी कि ये हमारे कायदे हैं और जो ये कह रहे हैं हम वही करेंगे। बेशक वो देखें सर्टिफाइड नाहिल है, अदालत से अगर देखा जाए ना लीडरान में सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ साहब है, ना अल्ताफ हुसैन है और ना आसिफ अली जरदारी है, ना कोई और है, सर्टिफाइड जिसको कहते हैं ना कानूनी तौर पर नाहिल अदालत से वो मियां नवाज शरीफ साहब है। लेकिन उनकी पूरी जमात उनके पीछे खड़ी रही, उनको फॉलो करती रही, उनको एनर्जी देती रही, उनको बूस्ट करती रही। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि इमरान खान साहब जब उनके साथ जनरल बाजवा की हिमायत हासिल की उस दौरान भी इस हद तक नहीं जा सके नवाज शरीफ साहब के साथ, और एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमत इमरान खान साहब की ख़त्म हुई और PDM की जो हुकूमत बनी उसको नून लीग ने लीड किया, और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनसे झुक कर मिले और दुनिया को ये पैगाम दिया कि मेरे लिए ये सबसे बड़े अल्लाह ताला के बाद मियां नवाज शरीफ मेरे लिए सब कुछ हैं मेरे फैसला साजी में, तो उससे नून लीग को तकवीत मिली। तो मैं ये सारी बात MQM के तनाजुर में कर रहा था कि अगर उस वक्त 22 अगस्त को बेशक ऑपरेशन होने देते, जो होना था होने देते, अगर वो कहते कि हमारा कायद अल्ताफ हुसैन है, हम उसके साथ हैं और उसके साथ खड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कौम को, इतनी बड़ी पार्टी को इस तरह थुड्डे लाइन लगाना इस ज़माने में मुमकिन नहीं है, उसको नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है ऑपरेशन होता, दफातर बंद होते, सील होते, तो पकड़ धकड़ होती, वो जब भी हुई थी ये सब चीज़ें होती, लेकिन आस्ते आस्ते अदालतों से इंटरनेशनल प्रेशर आता, वो सारी सूरत हाल चेंज हो जाती और आज MQM अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत में बहुत ज़्यादा मजबूत होती। लेकिन बदकिस्मती से उनके लोगों ने अपना फ़ायदा देखने के लिए, उन लोगों ने जो कहते थे हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उन लोगों ने अपने रहनुमा को छोड़कर अपनी एक अंधेरी मंजिल की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दी। खैर तो अब जब ये सूरत हाल आम आवाम पर, जो MQM के वर्कर, जो कारकुन, जो हमदर्द हैं, उन पर ये चीज़ वाजे हो गई कि जी अलग अलग हैं और अल्ताफ हुसैन साहब के मुखालफत में मौजूदा MQM पाकिस्तान, तो अब जाहिर सी बात है वो वोट नहीं देंगे। अगर लंदन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना भी मिले तो उस सूरत हाल में भी वो वर्कर घर बैठ जाएगा, वो वर्कर आफाक अहमद को वोट देगा, पीपल्स पार्टी को दे देगा, जमात इस्लामी को दे देगा, PTI को देगा, लेकिन MQM पाकिस्तान को वोट नहीं देंगे वो लोग। तो ये सूरत हाल ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पता है, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उनको भी सूरत हाल का अंदाज़ा है, खालिद मकबूल साहब को भी है सूरत हाल का अंदाज़ा, इसीलिए वो परेशान है। तो अब वो चाह रहे हैं कि इसमें एक नया रंग डाल दिया जाए, कि सूबे का नाम लेकर सूबे की तहरीक का आगाज़ करके और लोगों को जज्बात से खेला जाए और लोगों को आपस में, जो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं तो उनको हटा दिया जाए, जो PTI की तरफ लोग जा रहे हैं उनको हटा दिया जाए और हम जज्बात की बुनियाद पर वोट ले सकें, क्योंकि कारकर्दगी तो ऐसी कोई है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो कह सकें कि देखें हमने इतने लोगों को नौकरियां लेकर दी, ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवाया, ये स्कूल बनवाए, ये हॉस्पिटल्स बनवाए, हमने ये काम किए, ये रोड बनवाई, ये रास्ते बनवाए, इतने अरसे में हमने ये काम करवा के दिए, इतने लोगों को बाहर भिजवाए, इतने जो अल्लाह वाइकिन थे मुत्तहदा के कारकुनों के जो शौदा फैमिली कहलाती है उनको इतना हमने दिया, ऐसी तो कोई कारकर्दगी है नहीं जिसका वो तस्करा करके इलेक्शन में जा सकें। तो अब उनके पास एक जज्बाती नारे के अलावा कुछ नहीं बचा, हालांकि ना बनना है ना बन कोई वो तो कहना कोई चीज़ है, लेकिन बहरहाल बिला वजह जिसको कहते हैं कि वो इस पर चलने के लिए फिर दौड़ने के लिए लोगों को जज्बाती जो एलिमेंट है हमारी कौम में, हमारे लोगों में एक जज्बाती किस्म का एलिमेंट है, उसको वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके तहत वो इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी के बजाय जज्बात की बुनियाद पर वोट हासिल कर सकें और फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठ सकें ऐवानों में जाकर जिनके ख़िलाफ़ वो रोडों और रस्तों पर तकारीर करेंगे और तनकीद करेंगे। खैर देखें बात इस हवाले से मैं एक वसात कर दूं कि इस हवाले से बात अहलियत और नाअहलियत की होती है। अगर आप में अहलियत है तो चाहे अगर एक सूबा पूरा पाकिस्तान बन जाए, वन यूनिट बन जाए, पूरा एशिया एक हो, हिंदुस्तान एक हो, तब भी हम
अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर अहलियत नहीं है तो जिस तरह हिंदुस्तान से हम अलग हुए थे इस बुनियाद पे कि हमें हमारे हकूक नहीं मिलेंगे, लेकिन आज भी हम हिंदुस्तान से हम अलग हुए थे हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पर, फिर हम हमारे में इख्तलाफात हुए सिंधी और पंजाबी की बुनियाद पर, बलोच की बुनियाद पर, फिर हमारे पर इख्तलाफात हैं कि सिंधी और माजर की बुनियाद पर, फिर अगर कराची अलग हो भी जाता है तो उस पर हमें इख्तलाफात होंगे कि ये सरजानी वाले हैं, ये लियारी वाले हैं, ये डिफेंस वाले हैं, ये गुलशन वाले हैं, लियारी वालों को उनका हक नहीं दे रहे, बल्दिया वाले क्या बेवकूफ़ हैं, क्या केमाड़ी वाले कराची में नहीं आता, क्या सरजानी को आप कराची नहीं समझते, क्या सिर्फ डिफेंस के लोग ही हुकूमत करेंगे, क्या सिर्फ क्लिफ्टन के लोग ही आएंगे, क्या कराची सिर्फ नाजमाबाद में ही रहता है, क्या सिर्फ गुलशन वालों को ही मिलेगा। तो फिर वो डिवाइड यहाँ भी हो सकते, बात मैं कहता हूँ कारकर्दगी की होती है, अहलियत की होती है। अगर अच्छी अहलियत हो तो सुबह एक हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, ना हो, वो चीज़ें अहमियत नहीं रखती, बात अहलियत की होती है। तो खैर अब वो बहरहाल इस चीज़ को जज्बाती एलिमेंट को उभारने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में लोग इस जज्बाती एलिमेंट की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके ख्याल में मसाइल हल करना और आपको सहूलत देना ज़्यादा ज़रूरी है या सूबे की तहरीक चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इंतज़ार रहेगा और लोगों को भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बेल आइकन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करके, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं ताकि आप तक पहुँच सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।